छतरपुर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे के दौरान कई बाराती बस के नीचे दबे होने की खबर। सतना के लाल ने दिया देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान। मैहर विधानसभा के ग्राम अमदरा निवासी शंकर प्रसाद पटेल सुबह 4:30 बजे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के गोलीबारी के दौरान हुए शहीद। उनके साथ 10 से 12 जवान गंभीर रूप से हुए घायल। नेशनल सिविल सर्विस डे पर सतना के प्रशासनिक अधिकारियों ने नवाचार करते हुए कलेक्टर SP समेत प्रशासनिक अफसरों ने किया रक्तदान। रीवा में कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बेला तथा उसकी खदानों का किया निरीक्षण। खुद बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले अगर किताबें बेचने लगे तो ऐसे में बच्चों को शिक्षा कैसे मिल पाएगी। मझगवा BRC MK सिंह द्वारा खुद किताबें बेचने के बाद अब पूरा आरोप चौकीदार के ऊपर मढ़ने की है तैयारी। जबकि इस मामले में विगत दिवस मझगवा BRC कार्यालय में पदस्थ चौकीदार द्वारा लिखित में आवेदन दिया गया था कि कार्यालय में किताबें BRC MK सिंह द्वारा बेची जा रही हैं। 3 सदस्यीय प्राचार्यों की टीम करेगी आगे के मामले की जाँच। आबकारी विभाग की मिलीभगत से बिक रही है मैहर में महंगी दारू। इस काले कारनामे में मसीहा बने आबकारी सब इंस्पेक्टर विजय सिंह। MRP रेट से ऊपर सिंह रेट से ऊपर चल रहा है क्या? बियर पत्रकार बनकर चला रहे थे IPL सट्टे का कारोबार। सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 IPL सट्टा खिलाने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों सटोरियों आरोपियों का नाम दीपक कुशवाहा एवं राहुल गुप्ता है। उचेरा के महाराजपुर में किसान के खेत में लगी अचानक आग। 15 ट्रॉली के करीब कटी अरहर सहित ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर हुई खाक। कलेक्टर हो तो सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा जी जैसा। शिकायत मिलने पर तुरंत पहुंचे जिला अस्पताल सतना। अस्पताल पहुंचकर किया निरीक्षण। अस्पताल का भ्रमण कर देखी व्यवस्थाएं, उपचार सेवाओं और डॉक्टरों की उपस्थिति का लिया जायजा। बारामूला इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 21 अप्रैल शुरू हुई मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकवादी मारे गए, जिसमें लश्कर का टॉप आतंकी कमांडर यूसुफ कांतरू मारा गया।